वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक और आपको बेस्ट सेटअप बॉक्स लेकर आया हूं। जी हां, इससे पहले मैंने एक वीडियो का अनबॉक्सिंग किया था, काफ़ी अच्छा बेस्ट जो सेटअप बॉक्स था उसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। और इसी तरीके से एक और जो नया बॉक्स लेकर आया हूँ, इसमें भी काफ़ी हाई डेफिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं चैनल, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में अनबॉक्सिंग। जी हाँ, साथ साथ में इसके फंक्शन भी दिखाऊंगा, किस तरीके से हमें फंक्शन देखने को मिलते हैं टीवी में, और बॉक्स कैसा रहने वाला है, क्या क्या हमें सामान मिलता है इसके साथ, और बॉक्स की क्वालिटी क्या है, पूरी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे बजे दबा दीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सेटअप बॉक्स ये है, आप देख सकते हैं, और इसकी फुल अनबॉक्सिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा ये नया चैनल है, इसमें आपको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बात करें जो स्मार्ट टीवी जो यूज करते हैं, जैसे कि मेरी ये एंड्रॉयड है लेकिन स्मार्ट है, जिसमें यूट्यूब वगैरह वर्क नहीं करता, इस सेटअप बॉक्स में आप यूट्यूब वगैरह भी वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, और काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी में आपको चैनल देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट देर नहीं करते हैं और फटाफट आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हमें रिमोट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक केबल मिल जाती है, देख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पर HDMI भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी RCTV के लिए ये यूज़ होगी वाली, ठीक है। और बाकी रिमोट की एडाप्टर की बात करें तो एडाप्टर भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं, तो 12 वोल्ट इसमें इनपुट, DC वोल्ट। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जो सेटअप बॉक्स है, फुल HD हाई डेफिनेशन में जो कि बॉक्स है, देखिए। तो यहाँ पर सामने का लुक काफ़ी अच्छा है जब डिस्प्ले वगैरह ओपन होगी, और वेंटिलेटर भी अच्छा है यहाँ पर एयर कूलिंग के लिए, क्योंकि हवा हवा गर्म नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए, ये अपना LNB इन हो जाएगा, जो वायर USB पोर्ट है, HDMI है फुल HD में देखने के लिए। यहाँ पर ये केबल लगेगी जो 1/3 की, और यहाँ पर एक और USB का पोर्ट है, और यहाँ पर जो एक पोर्ट और दिया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं RS232 की जो पोर्ट है, और यहाँ पर IR सेंसर, जो कि अगर आप डिस्प्ले एक अलग से आता वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और एक 12 वोल्ट का यहाँ पर चार्जर, ठीक है, यहाँ से आप एडाप्टर कनेक्ट होगा। बाकी सामने की देखें तो यहाँ पर दिखा हुआ है HD रिसीवर MP4 PG2 है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, मेनू है, ओके है, वॉल्यूम अप डाउन है, चैनल अप डाउन माइनस है, ठीक है। यह काफ़ी अच्छा है सेटअप बॉक्स, देख सकते हैं छोटा सा, और लुक काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें यूट्यूब भी बराबर वर्क करेगा, लेकिन हाँ, यूट्यूब चलाने के लिए आपको वाईफाई डोंगल लगाना पड़ेगा, तब यूज होगा। तो ये था बेस्ट, काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, पहले देखा ही होगा, इसमें 185+ TV चैनल्स है, देखिए, हाई डेफिनेशन, फ्री टू एयर, HDMI एंड इनपुट आउटपुट विथ HDMI केबल। HDMI केबल भी इसमें साथ आएगी, क्योंकि मैं इसमें ये लेकर आया हूँ, क्योंकि RCTV मुझे लगाना है, इसलिए मैं ये वाली केबल लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसमें HDMI केबल साथ आएगी, ये नहीं आएगी, HDMI केबल जो है साथ में आएगी आपको। बाकी काफ़ी बेस्ट सेटअप बॉक्स है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका इंटरफेस देखेगा, देखिए, टीवी, रेडियो चैनल, टाइम सेटिंग, डिले, ठीक है, और काफ़ी सेटेलाइट हैं यहाँ पर, फंक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है इसमें, और सिस्टम इंफॉर्मेशन में बात करें तो यहाँ पर देखिए, सेम है जैसे अपना पहले के जो मैंने काफ़ी सेटअप बॉक्स दिखाए हैं। और यहाँ पर इस सेटअप बॉक्स में अगर पेन ड्राइव यूज करते हैं वो भी आप कर सकते हैं,